Hello students, welcome to all of you. In today's class, class 9th, we will study chapter 2nd, Is Matter Around Us Pure? In the previous class, we have studied about the pure substances, characteristics of the pure substances, and we also studied about the elements and the properties of metals and non-metals and also metalloids. Okay students? अगर आप सभी बच्चों ने जो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप सभी बच्चे वो वीडियो जाके देखें, तभी आपको ये आगे कंटेंट समझ में आएगा। आज की क्लास में हम जो स्टडी करने वाले हैं बच्चों, डेट इज मिक्सर। मिक्सर क्या है? ठीक है, तो मिक्सर में क्या करते हैं बच्चों हम? मिक्सर में व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है, दे फॉर्म ए कॉम्बिनेशन, दे फॉर्म ए सब्सटेंस, ए न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड ए मिक्सचर। किसी भी दो चीजों को जब मिलाकर कोई नई चीज बनती है तो वो हमारी मिक्सचर होती है। क्या होती है बच्चों? मिक्सचर। जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा है एलॉय के बारे में, ठीक है, एलॉय के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। एलॉय भी क्या है बच्चों? आपका मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर। तो बच्चों आज की क्लास में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मिक्सचर एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मिक्सचर। लेट्स स्टार्ट टू द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी। First of all, what is the definition of the mixture? A mixture is a material system. A mixture is a material system made up of two or more different substances which are physically mixed but are not chemically combined. तो बच्चों आपने देखा मिक्सर क्या है? मिक्सर में टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं फिजिकली, इन्हें केमिकली हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। मीन्स इनको हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। मीन्स क्या है इसमें? जैसे कि हम मिक्सर पढ़ेंगे तो वहां पर आपके जो है होमोजीनियस भी आएगा और हेटरोजीनियस, दो टाइप के मिक्सर आएंगे। तो ये केमिकली आपके जो है मिक्स नहीं होते हैं, केवल फिजिकली आप इन्हें मिक्स करते हैं। तो जो टू डिफरेंट सब्सटेंसेस को जब मिक्स किया जाता है, ठीक है, फिजिकली से, फिजिकली मीन्स से, ठीक है, तब उन्हें हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज मिक्सर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सर? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सर? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सर मे नॉट बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। तो बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कंपाउंड में, कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जो भी आपके एलिमेंट मिक्स होते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स आपके मिक्स किए जाते हैं वो आपके फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। बट मिक्सर में यहां पर क्या है कि जो भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस हम यूज करेंगे बच्चों, तो उन्हें हम वो जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, ठीक है। हो भी सकता है फिर जो आपके जो है ये जो कंपाउंड है वो आपका मिक्सर हो सकता है, लेकिन हमारा जो मिक्सर है वो कंपाउंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंपाउंड में डेफिनेट प्रोपोर्शन में किसी दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, बट मिक्सर में जो हमारा जो प्रोपोर्शन है वो हमारा डेफिनेट नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट से क्लियर हो रहा है बच्चों, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सर मे नॉट बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सर रिटेन देयर आइडेंटिटी। मीन्स कि जो मिक्सर में हम जो चीजें मिक्स करते हैं, ठीक है, जो भी टू डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर रहे हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, यानी जो आपके जो मिक्सर होते हैं जिन्हें हम फिजिकली मिक्स कर रहे हैं तो हम फिजिकल मेथड से उन्हें हम सेपरेट आउट भी करेंगे। तो बच्चों इसके बारे में हम जो है आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह से हम इन्हें सेपरेट आउट करते हैं एंड उन मेथड्स को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि मिक्सर जो है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। नंबर फोर नेक्स्ट आपको दिया गया बच्चों, नो एनर्जी, नो एनर्जी, हीट, लाइट एक्सेट्रा इज इवॉल्व एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सर। मीन्स व्हेन वी फॉर्म ए मिक्सर, व्हेन वी फॉर्म ए मिक्सर देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ हीट, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज फाउंड इन दैट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो वहां पर जैसे जब हम किसी भी दो सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि वहां पर जो है हीट रिलीज ही होगी या फिर हीट आपकी एब्जॉर्ब ही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि आपकी जो है नो एनर्जी, हीट, लाइट एक्सेट्रा इवॉल्व एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए बच्चों आप यहाँ पर, द
तो ये तो थी बच्चों आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, एक बार और रिपीट करिए, व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर इज अ मटेरियल सिस्टम, मिक्सचर इज अ मटेरियल सिस्टम व्हिच इज फॉर्मड बाय टू डिफरेंट, बाय मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मींस। ठीक है, तो आप जो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को जो मिक्स करते हैं, ठीक है, फिजिकली, तो हम उसे बोलते हैं बच्चों मिक्सचर। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी बच्चों इसमें, द मिक्सचर मे नॉट बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो आपका जो मिक्सचर है वो आपका किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, फिक्स प्रोपोर्शन में होगा ये ऐसा नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर आइडेंटिटी, इसमें जो मिक्सचर है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो हमने सब्सटेंस उसमें मिलाए हैं, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप करते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, द कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, दो जो आपके कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या जो कॉम्पोनेंट आपने मिक्सचर में मिलाए हैं, ठीक है, उनको हम रिटेन कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। नेक्स्ट, इसमें कोई भी एनर्जी आपकी रिलीज नहीं होती है, ना तो इवॉल्व होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर। जब हम किसी भी मिक्सचर को हम बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपकी कोई भी एनर्जी ना तो इवॉल्व होती है ना ही वो एब्जॉर्ब होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिखा रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर बता रहे हैं बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, कंपोजिशन मीन्स यानी जो है आपका जो मिक्सचर हमारा बना है, ठीक है, मिक्सचर हमारा किस तरीके का बना है, जो भी हमारा कंपोजिशन है उसके बिहाव पर हमारे जो मिक्सचर है वो आपके टू टाइप्स के होते हैं बच्चों। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कैन बी ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है बच्चों सेमनेस। सेमनेस का मतलब क्या है कि जो दो सब्सटेंस जब हम इसमें मिक्स कर देंगे तो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, दोनों सेम बन जाएंगे, ठीक है। एंड हेटरोजीनियस का मतलब क्या होता है, वो डिफरेंट होते हैं। चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, व्हाट इज मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म इनटू द होमोजीनियस मिक्सचर एंड द अपीयरेंस थ्रू आउट इट्स मास, मींस द मिक्सचर व्हिच इज यूनिफॉर्मली जो यूनिफॉर्म आपकी कंपोजिशन में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों आपका क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए एग्जांपल देखेंगे बच्चों इसके हम यहां पर। इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज, इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज, इसमें कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती है, मतलब जो हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं वो हमें सेपरेट नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, सेपरेट नहीं दिखाई देते हैं, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, हमने वाटर लिया, वाटर में मैंने दो इंक की ड्रॉप मैंने डाल दी, तो आप देखते हैं जो हमारी जो इंक है वो वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाती है, ठीक है, कोई भी बाउंड्री उसमें हमें नजर नहीं आती। अब आप सोच रहे होंगे बाउंड्री क्या है यहाँ पर, तो चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑयल लीजिए, ऑयल को जब आप वाटर में डालते हैं तो वो सेपरेट रहता है बच्चों, हाँ या ना? क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देखते हैं कि जो लेयर है वाटर की और जो ऑयल की वो सेपरेट आउट रहती है, तो वो हेटरोजीनियस मिक्सचर होगा, और जहां पर आपकी जो कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होगी, सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है, इट हैज नो बाउंड्री सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स, जो नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिखाए हैं, एग्जांपल देख सकते हैं। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर में जो है काफी सारी गैसेस आप पाई जाती है, जैसे कि आप जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैसेस, दे आर द लॉट्स ऑफ गैसेस विच आर मिक्स टूगेदर इन टू द एयर that cannot be separated out, but there is an very basic एक chemical ऐसा एक method है बच्चों जिससे हम air के mixture को भी हम separate out कर लेते हैं, but it is not very easy, ठीक है। तो इसे हम जो हमारा कोई physical जो method नहीं होता है, particular method होता है, इसके बारे में हम आगे classes में पढ़ेंगे। तो air is an homogeneous mixture of gases, टैप वाटर एंड रेन वाटर, तो बच्चों टैप वाटर और रेन वाटर भी आपकी किसमें है, होमोजीनियस मिक्सचर में है। वेजिटेबल ऑयल इज यूज्ड इन कुकिंग, होमोजीनियस मिक्सचर। सुगर इन वाटर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे जब आप सुगर को जब आप वाटर में जब आप मिक्स कर देते हैं तो अब आप क्या देखते हैं बेटा, आप देखते हैं कि जो सुगर है वो कंप्लीटली उसमें क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, हाँ या ना? अगर इसी तरीके से अगर आप सॉइल ले लें, सॉइल लेकर आप वाटर में डिजोल्व करें, क्या वो पूरी तरह से डिजोल्व होगी? नहीं, कुछ टाइम उसे आप ऐसे अगर ऐसे ही रखे रहने देंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगी सॉइल, और सॉइल उससे सेपरेट हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पर जो चीजें सेपरेट आउट नहीं होती है कंप्लीटली मिक्स हो जाती है, ठीक है, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट आपकी क्या नाम है सेम रहती है, क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों से हम उसे हम बोलते हैं बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है द मिक्सचर
of copper sulfate in water, the mixture of copper sulfate in water is called homogeneous mixture. जो आपका मिक्सर है किसका बच्चों, कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये भी आपका एक एक्सपेरिमेंट है जिसको लेबोरेटरी में करा के आपको दिखाया जाता है बच्चों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सर। तो ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर, व्हाट इज मीन बाय हेट्रो, हेट्रो मींस डिफरेंस, हेट्रो मींस डिफरेंस। तो यहाँ पर जो आपको सब्सटेंस आपको बताए जाएंगे बच्चों, वो जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट है, ठीक है। होमोजेनियस में भी डिफरेंट थे, बट वहां पर जब हम मिक्स कर रहे थे उन्हें हम सेपरेट आउट नहीं कर पाते थे, ठीक है, तो इसलिए वो होमोजेनियस थे। यहाँ पर हम इन सब्सटेंसेस को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे बच्चों ने, हेट्रोजीनियस मिक्सर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। तो बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है, डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस है जिन्हें हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो बच्चों ये डिफरेंस मिल गया, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मिक्सचर एग्जाम में आता है बच्चों। एग्जाम में आपको इसके एग्जाम्पल भी गिवन हो सकते हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल गिवन होंगे, उसमें से आपको फाइंड करना होगा कि आपके कौन से हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और कौन से आपके होमोजीनियस मिक्सचर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। A heterogeneous mixture is made of visible different substance that remains physically separated. तो यहाँ पर जो आपकी जो इसमें जैसे कि आपको homogeneous mixture बताया था, no visible boundary is there. But in heterogeneous there is an visible boundary. There is a visible boundary. कहाँ पर बच्चों? Heterogeneous mixture में। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे heterogeneous mixture में आपकी क्या होती है? विजिबल बाउंड्री होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे देखेंगे इसमें, इसको हम जो है फिजिकली सेपरेटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। किसको? हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, वी कैन सेपरेट टू द हेट्रोजीनियस मिक्सचर बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आगे देखते हैं इसमें एग्जाम्पल है आपके सामने, यहां पर देखिए मिक्सचर ऑफ सैंड, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वॉटर, ठीक है, चौक पाउडर एडेड टू वॉटर, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वॉटर, गन पाउडर is a heterogeneous mixture. तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर mixture of sand and water, हमने क्या किया, sand और water ली, water को लिया और हमने आप उनमें mix कर दिया। तो जो sand है क्या वो completely mix हो जाएगी? नहीं होगी बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो जो sand है वो settle down हो जाएगी कुछ देर बाद और उसको हम separate कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका chalk powder है बच्चों, अब आपका mixture of oil and water, उसमें भी आपका separate रहेगा वो, ठीक है। जब ऑयल को जब आप वाटर में डालोगे तो वो सेपरेट आउट रहेगा, वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पर, ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सल्फर, जैसे में क्या है, कोई भी सैंड सॉइल हो सकती है, जैसे यहाँ पर सल्फर लिया गया है, सल्फर में आयरन फिलिंग्स मिक्स है, ठीक है। तो वो क्या है, आपका मिक्सचर है, उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। यस, मैग्नेट लीजिए और आप आयरन फिलिंग्स यानी जो लोहे की कील जो उसमें मिक्स है, आप मैग्नेट घुमाइए, उससे आपकी सारी कील बाहर आ जाएंगी। तो बच्चों ये क्या हो गया, फिजिकल मेथड से ही हम इसे सेपरेट आउट कर पा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर दिया गया आपको एलॉयज, एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखिए जो एलॉय होते हैं वो आपके क्या है, वो मेटल टू मेटल भी आपके बनाए जा सकते हैं और मेटल और नॉन मेटल को भी मिक्स करके बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं बच्चों एलॉय। तो एलॉय के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका वन वर्ड का क्वेश्चन आ सकता है, बेसिकली वेरी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में व्हाट आर एलॉयज एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द एलॉयज, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ इट। तो बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों आप इसमें, मोस्ट कॉमन एलॉय आर होमोजीनियस, मोस्ट कॉमन एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर। तो ज्यादातर जो एलॉय होते हैं बच्चों वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पर, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। तो बच्चों जो ब्रास है, ठीक है, जो ब्रास है वो आपका जो वो भी एक एलॉय है, एक मिक्सचर है, जिसको आप 30% जिंक लेते हैं और 70% कॉपर लेते हैं, जब इनको मिक्स किया जाता है तो आपका बनता है बच्चों ब्रास। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा इसमें, ब्रोंज,
ब्रोंज क्या है? ब्रोंज इज एन एलॉय, ब्रोंज भी एक आपका एक मिक्सर है, एलॉय है ऑफ कॉपर एंड टिन। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ब्रास, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर, एंड ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका स्टील, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। तो बच्चे इसमें निकेल भी मिलाया जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी मिलाया जाता है, ठीक है, निकेल कोबाल्ट मिलाकर आपका स्टील बनाया जाता है, ठीक है। तो बच्चे सभी ध्यान रखेंगे, एलॉयज क्या है, एलॉयज के बारे में आपने पढ़ा, ये मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके बनाते हैं, मेटल मेटल को भी मिक्स करके बनाया जा सकता है, एलॉय हमारे होमोजीनियस मिक्सर होते हैं, ठीक है। एंड ब्रास क्या होती है बच्चों, 30% आपकी जिंक होती है एंड 70% आपका कॉपर इसमें मिक्स किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रास। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया मैंने, ब्रोंज जो एलॉय है वो कॉपर और टिन का एलॉय होता है, कॉपर और टिन को मिक्स करते हैं तो आपका ब्रोंज बनता है। नेक्स्ट आपको बताया बच्चों हमने स्टील, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। तो स्टील जो है आपका वो जो है किसका बनता है बच्चों, आयरन और कार्बन से मिलकर बनाया जाता है। तो बच्चों ये तो था आपका एलॉय। हेटरोजीनियस मिक्सचर में आपने देखा इसके अंदर आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हेटरोजीनियस मिक्सचर में विजिबल बाउंड्री पाई जाती है, ठीक है, उनकी लेयर्स के बीच में। एग्जांपल भी आपने पढ़े बच्चों, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, इसको हम जो है मिक्स करेंगे तो सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है, ठीक है। एंड चॉक पाउडर एडिड टू वाटर, ये भी आपका था इसमें। गन पाउडर के बारे में आपको बताया गया, गन पाउडर इज एन हेटरोजीनियस मिक्सचर ऑफ कार्बन सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो बच्चों ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, वन वर्ड का क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है। एंड लास्ट पॉइंट आपको बताया आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर का, ये भी आपका किसका है बच्चों, हेटरोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों आज की क्लास में आपने देखा कि मिक्सचर क्या है, व्हाट इज मिक्सचर एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ द मिक्सचर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द मिक्सचर एंड व्हाट आर द एलॉयज। तो बच्चों ये सारे जो नोट्स हैं आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी से आप चैप्टर पढ़ते रहिए, ठीक है। यहाँ से जो आपका जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है और ये आपका 1 वर्ड का भी आ सकता है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेटरोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। तो सभी स्टूडेंट्स इन डेफिनेशन से जो आपको यहाँ पर पढ़ाई गई है होमोजीनियस और हेटरोजीनियस मिक्सचर की, यहाँ से आप अपनी कॉपी में डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। डिफरेंस यहां से नोट करिए होमोजीनियस और हेटरोजीनियस का, विद एग्जांपल आप नोट करिए, एलॉयज के जो पॉइंट्स हैं इन सभी को आप याद करिए, ठीक है। एंड जो आपकी एग्जांपल दिए गए हैं एनसीईआरटी में, कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आप उनको वहां से रीड करिए और एनसीईआरटी में आप अंडरलाइन करके पढ़िए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। अंडरलाइन करके सारे पॉइंट्स को आप पढ़िए ढंग से, ठीक है। और अगर जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है उन वीडियोज को ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप सारी वीडियोस जो है आप रेगुलर तरीके से नहीं देखेंगे तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। जिन बच्चों के पास में एनसीईआरटी की बुक नहीं है वो कोशिश करिए एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी जो मेन बुक है उसी से ही आपको पढ़ना है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है जब हम किसी भी दो चीजों को मिक्स करते हैं तो आपका एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे देखते रहिए इन वीडियोस को, ध्यान से देखिए, आज की वीडियो में जो भी आपको कंटेंट दिया गया है ये सारा कंटेंट आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए, रिवाइज करिए इन्हें, लर्न करिए, और जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आए तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट कंपाउंड में आपको दिया गया है, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। तो यहाँ पर जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको मिक्सचर में दिया गया है, ए मिक्सचर इज ऑब्टेंड बाय सिंपल फिजिकल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विदाउट केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर जो है मिक्सचर के अंदर आपके फिजिकल मैनर में जो है मिक्स किया जाता है, और जबकि कंपाउंड में क्या है, केमिकली कंबाइन किया जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कंपाउंड जो है हमारा एक प्योर सब्सटेंस है,
कंपाउंड जो हमारा एक प्योर सब्सटेंस है, बट मिक्सचर जो है हमारा, मिक्सचर इज़ नॉट ए प्योर सब्सटेंस। देखें आप सेकंड पॉइंट में, नंबर थर्ड पॉइंट कंपाउंड में देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। तो सभी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कंपाउंड के अंदर जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आपके फिक्स रेशो में होते हैं बाय मास, जैसे कि मैंने आपको कंपाउंड में आपको पढ़ाया था, आपने देखा था वहाँ पर वाटर जो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स रेशो बाय मास 1:8 में होते हैं, ठीक है। बट इन मिक्सचर में देखें थर्ड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशो। तो यहाँ पर जो है आपका वो किसी भी रेशो में हो सकते हैं, तो यहाँ पर वो जो है मिक्सचर आपको किसी भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है नंबर फोर पॉइंट में देखें कंपाउंड, कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजीनियस। कंपाउंड हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, ऑलवेज होमोजीनियस होते हैं। मिक्सचर मे बी होमोजीनियस भी हो सकता है बच्चों, कंपाउंड में नंबर फाइव, द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड डू नॉट शो देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। मींस कंपाउंड के अंदर जो आप पहले मिक्स करते हो, जो चीजें मिक्स करी जाती हैं और जो आपका प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट है वो सारी अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीटली लॉस कर चुका होता है, ठीक है। उसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, जैसे वाटर में आप देख रहे हैं, वाटर में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला आप पढ़ा है ना बच्चों, क्या होता है वाटर का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है H2O, ठीक है। H2O में आप क्या देख रहे हैं, H2O में आप देखते हैं कि आपके पास में जो भी कंपाउंड आपको गिवन है, ठीक है, उसमें आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपको गिवन है ये 1:8 में होता है। कितना होता है बेटा, 1:8 में आपको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखें इसमें मिक्सचर में, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटीज, ऑफन रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर लेते हैं बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट आपको दे रखा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मैथड्स। जो कंपाउंड्स हैं वो फिजिकल मैथड से सेपरेटेड नहीं किए जा सकते हैं, बट जो कंपाउंड जो मिक्सचर्स हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय मैकेनिकल एंड फिजिकल मैथड्स। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर सिक्स में लिखा गया है कि इसमें जो आपके जो मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल और मैकेनिकल मैथड से। कंपाउंड्स में आप देख रहे हैं बच्चों, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी रिएक्शन आपकी होगी, या तो उसमें हीट और लाइट आपकी जो रिएक्शन है, या तो हीट उसमें एब्जॉर्ब की जा सकती है, हीट उसमें रिलीज हो सकती है, बट इन मिक्सचर में क्या होता है बच्चों, नो एनर्जी। इसमें क्या है, नो एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर। तो बच्चों ये जो पॉइंट था अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। ये मिक्सचर, ये जो डिफरेंस है आपका, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, तो सभी बच्चे याद करें अच्छे से इस पॉइंट को, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन के टॉपिक को हम